बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की वकालत की है। सोमवार को राजधानी पटना में उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस किए जाने की भी बात कही। नीतीश कुमार के इस बयान का बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी चाहिए। नीतीश जी को यह मुद्दा उठाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि जीएसटी का विरोध करने वाले लोगों से पूछा जाना चाहिए कि यह कब प्रस्तावित था। पहले वैट पेश किया गया था और अब जीएसटी परिवर्तन में समय लगता है, इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग जीएसटी का विरोध कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि उनके लिए ये कितना फायदेमंद है, क्योंकि पहले वैट लगता था और बाद में जीएसटी लागू करके लोगों के लिए आसान कर दिया है। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।